स्टूडेंट्स नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 14.1 क्लास 8। सो क्वेश्चन थर्ड का ए पार्ट है हमारा 6c² माइनस का 4d। इसका हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। सो क्या क्या फैक्टराइज कर सकते हैं इसको, 3 2 6, 3 × 2 एंड c × c, 2 times c है तो c को हम 2 times मल्टीप्लाई करेंगे, c × c देन माइनस 2 × 2 c × d। सो हम इसमें से कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन आ सकते हैं हमारे पास यहाँ से 2 और c, एंड 2 और c दोनों में है सो 2 और c हमारा बाहर निकल के जाएगा। यहाँ पे कितना मिलेगा, 3c माइनस का 2d। नाउ स्टार्ट बी पार्ट। बी पार्ट है हमारे पास x³ माइनस 3x² - 3x। सो x³ x को 3 times मल्टीप्लाई कर देंगे, x × x एंड माइनस 3 × x एंड माइनस 3 × x। अब इसमें से क्या कॉमन आ सकता है हमारा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, x सब में हमारे पास एक एक्स कॉमन है, सब में मतलब हम निकालेंगे ओनली जो सब में कॉमन हो। यहाँ पे बस एक एक्स कॉमन है तो एक एक्स कॉमन बाहर निकाल देंगे, x अंदर क्या बच जाएगा, x² ये कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 3x, यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास 3। नाउ स्टार्ट द सी पार्ट। सी पार्ट में हमारे पास क्या है, इसको भी हम सेम वही प्रोसेस, x² एंड −5 × x एंड +7 × x। सो इसमें भी बस हम क्या निकल जाएगा हमारे पास, x निकल के आ जाएगा बाहर, ये क्या हो जाएगा x, यहाँ पे कितना बचेगा ओनली y, यहाँ पे कितना बचेगा ओनली 5 एंड यहाँ पे बचेगा हमारे पास 7x। सो डी पार्ट है हमारे पास p² + q² + p² + q² एंड q². सो सॉल्व करते हैं हम इसको, हमारा क्या कॉमन आएगा देखते हैं, p² × p देन × q −p × q × q देन +p × p एंड q² × q². अब हमारे पास दिखते हैं क्या कॉमन निकलता सब में से, यहाँ पे क्या है p और यहाँ पे क्या है एक q, ये भी q, यहाँ पे भी क्या p q, तो p q हम भर के करते हैं, सब में p q कॉमन है तो p q कॉमन निकाल देते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास ओनली p, यहाँ से p q निकल जाता है यहाँ पर बचेगा क्या q, यहाँ से p q निकल जाएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या p और q। नाउ स्टार्ट द ई पार्ट। ई पार्ट में हमें बस साफ साफ दिख रहा है हमारा कॉमन नंबर क्या है, इसमें भी xy है और इसमें भी xy है, दोनों में से बस कॉमन क्या निकाल देंगे, xy क्या बच जाएगा a + b। नाउ स्टार्ट द एफ पार्ट। एफ पार्ट है हमारे पास 3c + 15cd देन −1 एंड −5d। इसमें हम क्या करेंगे, हम दोनों दो दो पेयर करके इनके कॉमन फैक्टर्स निकाल देते हैं, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। सो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा हमारे पास, 3c कॉमन निकल के आ जाएगा बाहर, कैसे आएगा 3 × c देन 3 × 3 = 15 एंड c और d देन यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, −1 कॉमन निकल के आएगा यहाँ से हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। सो इसको अभी हम यहीं पे छोड़ते हैं, इसको हम छोड़ेंगे ही नहीं, पहले हम इसको करते जाते हैं। सो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 3c यहाँ से कॉमन निकल रहा है हमारे पास, तो 3c कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 + 5d, यहाँ से −1 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा हमारे पास 1 + 5d, 1 + 5d आ गया तो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स एक ही हो गया और एक ही हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका 3c - 1 एंड 1 + 5d। नाउ स्टार्ट द ई पार्ट। ई पार्ट में भी हम बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे, यहाँ से हमारे पास 5x1 + 3y है, ये तो हमारे पास एक दोनों एक कॉमन फैक्टर निकल रहा है और यहाँ से हम भी एक कॉमन निकाल देंगे। सो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 5x + 3y, 5x 3y में से हम कोई कॉमन वैल्यू नहीं निकाल सकते, और सो इसमें भी हम बिल्कुल एफ पार्ट की तरह ही करेंगे, एक कॉमन इन दोनों में से एक कॉमन वैल्यू, इन दोनों में से एक कॉमन वैल्यू। सो इनमें से क्या आ जाएगा ओनली 1 कॉमन आएगा, क्योंकि दोनों सेम अलग अलग डिफरेंट वैल्यू हैं 5x + 3y। यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा प्लस 2 के टेबल में दोनों आते हैं तो 2 हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा, और 2x बाहर निकालेंगे हम, क्योंकि दोनों में हमारे पास क्या है x है, तो 2x देन यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्या 5x + 3y। सो हमारे कॉमन फैक्टर्स एक कॉमन ये हो गया और बाकी ये निकाल देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 1 + 2x एंड 5x +
थ्री वाई। नाउ स्टार्ट एच पार्ट। एच पार्ट में भी बिल्कुल सेम वही प्रोसेस, इन दोनों कॉमन वैल्यूज को अलग अलग लेके अलग अलग कॉमन निकाल देंगे। यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारे पास वन कॉमन, तो वन प्लस एक्स। यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आएगा, थ्री वाई, थ्री वाई, थ्री वाई दोनों में कॉमन है, सो प्लस थ्री वाई, अंदर क्या बच जाएगा, वन प्लस एक्स। सो हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, वन प्लस थ्री एक्स और ये दोनों वन प्लस एक्स। सेम एज आई पार्ट, फाइव माइनस टू एक्स माइनस सिक्स एक्स वाई देन प्लस फिफ्टीन वाई। यहाँ से भी हमारे पास वही सेम, इन दोनों में से अलग अलग कॉमन निकालेंगे वैल्यूज। यहाँ पे कितना कॉमन निकल के आ जाएगा, ओनली वन, तो वन, फाइव माइनस टू एक्स। अब यहाँ से देखते हैं हमारे पास क्या कॉमन निकल के आएगा, सिक्स एक्स एंड फिफ्टीन वाई। सो सिक्स और फिफ्टीन, सिक्स और फिफ्टीन दोनों को कॉमन टेबल। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा, पहले इसको हम ओपन ही कर लेते हैं, थ्री टू ज सिक्स एक्स वाई प्लस थ्री फाइव ज फिफ्टीन वाई। सो वन फाइव माइनस का टू एक्स, यहाँ से कॉमन निकल के आ जाएगा क्या हमारे पास, थ्री वाई, थ्री वाई एंड माइनस थ्री वाई, अंदर हमें क्या चाहिए। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस का है तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये टू एक्स, अंदर ये क्या होना चाहिए, ये इसको हम ले लेते हैं माइनस प्लस का थ्री एक्स, प्लस थ्री वाई कॉमन बाहर निकालेंगे, अंदर ये माइनस का रहेगा क्योंकि हमारे पास अगर ये माइनस का तो ये भी सेम माइनस का ही होना चाहिए एंड प्लस का फाइव। इसको हम उल्टा भी करके लिख सकते हैं, वन फाइव एक्स माइनस का टू एक्स देन प्लस थ्री वाई एंड फाइव माइनस का टू एक्स। सो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हो गए, वन प्लस थ्री वाई एंड फाइव माइनस टू एक्स। नाउ स्टार्ट द जे पार्ट। जे पार्ट है हमारे पास सिक्स एक्स वाई माइनस का फोर वाई प्लस सिक्स माइनस का नाइन एक्स। सो इसके पहले हम फैक्टर्स ही कर देते हैं, क्या होंगे, थ्री की मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई देन टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई वाई। यहाँ पे कितना जाएगा, थ्री टू ज़ा सिक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई नाइन। इसको हम सीधा भी कर सकते थे ताकि कन्फ्यूजन हो, इसको मैंने इसलिए ओपन कर दिया। सो हम क्या करेंगे, वही दो 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 पार्ट ले लेंगे, दो पार्ट ये एंड दो पार्ट ये, इन्हें से कॉमन निकाल देंगे। इसमें से कॉमन क्या निकल के आएगा हमारे पास, यहाँ पे भी टू है, यहाँ पे भी टू है, यहाँ पे भी वाई है, यहाँ पे भी वाई है, तो हमारे पास क्या कॉमन निकल के आ जाएगा, टू वाई, अंदर क्या बन जाएगा, थ्री एक्स एंड यहाँ पे कितना बचेगा हमारे पास, ओनली माइनस का टू। सो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या कॉमन निकल के आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे भी थ्री, सो प्लस थ्री, यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, टू माइनस थ्री एक्स। सो हमें क्या करना है, माइनस का टू होना चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये माइनस का होना चाहिए और ये हमारा माइनस का, ये प्लस का, ठीक है। सो टू एक्स, थ्री एक्स माइनस का टू, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इसी वे में लिख देंगे। कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे हमारे पास, टू वाई माइनस थ्री एंड थ्री एक्स माइनस का टू। नाउ स्टार्ट के पार्ट। के पार्ट में हम वही सेम प्रोसेस दो दो पार्ट्स का लेके कॉमन निकाल लेंगे। इसमें से क्या हो जाएगा, इसको हम इसको भी ओपन कर सकते हैं या फिर इसका आप सीधा सीधा भी कर सकते हो। यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से के पार्ट है हमारे इसका, इसको हम पहले क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं ताकि हमारे इसके कॉमन फैक्टर्स इजीली निकल के आ जाए। तो मैंने क्या करा, 15 पी क्यू के साथ मैंने क्या ले लिया, 9 क्यू एंड 15 प्लस 25 क्यू, इससे हमारे फैक्टर्स इजीली निकल के आ जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं, ये कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 5 पी क्यू प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 क्यू, इन दोनों के अलग निकालेंगे, इन दोनों के अलग फैक्टर्स निकालेंगे देन प्लस ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 पी। इसमें से क्या कॉमन निकल जाएंगे, 3 और यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे q और यहाँ पे भी q, तो इसमें से क्या निकल जाएगा, आ जाएगा 3 क्यू बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, 5 पी प्लस 3 देन प्लस यहाँ से क्या निकल जाएगा, 5 5 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा मेरे पास, 3 प्लस 5 पी। सेम हमें हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम करते हैं तो हमें ये दोनों कॉमन होने चाहिए, ये दोनों वैल्यूज हमारी हमेशा कॉमन होनी चाहिए। सो इनको हम क्या करते हैं, पहले सेम कर लेंगे, वैसे तो हमारे पास दोनों पॉजिटिव ही हैं, 5 प्लस 3 प्लस 5 तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 पी प्लस 3। अब कॉमन फैक्टर्स हमारे पास 3
थ्री क्यू प्लस फाइव एंड फाइव पी प्लस थ्री आंसर. यस नाउ स्टार्ट द एल पार्ट. इसमें से भी हम पहले क्या करते हैं, इसकी इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं ताकि कॉमन पार्ट हमारे इजीली मिल जाए. ए प्लस ए एंड माइनस बी स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर. अब इसमें से कॉमन निकल जाएगा, ए कॉमन निकल के आ जाएगा इन दोनों वैल्यू इसमें से, अलग अलग वैल्यू कॉमन कर लेंगे. सो यहाँ से हमारा कॉमन आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस वन. यहाँ से हमारा कॉमन आ जाएगा क्या, यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस हमारा पे क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे यहाँ से माइनस का बी स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा. सो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे अंदर बच जाएगा ए स्क्वेयर प्लस वन. ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा क्या, ए माइनस का बी स्क्वेयर कॉमन वैल्यूज हमारी निकल के आ जाएंगे. ये कॉमन एंड ये पूरा कॉमन निकल के आ गया.